क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है? बहुत लोग गया है चुनाव प्रचार में, बहुत लोग गया है, हालत ढीली हो गई है लोगों की। जो एनडीए पक्ष है उसका हालत जो है ढीला हो गया है। अब पड़ोसी राज्यों से लोगों को बुलवाया जा रहा है, जो बाहरी लोग हैं उनको जो है चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। किसी की आप समझ सकते हैं, पता नहीं कौन कौन लोग आएगा, कौन कौन लोग प्रचार करेगा, प्रचार करता रहेगा। यानी स्पष्ट हो गया कि हालत जो है एनडीए की वो नाजुक है और जीतने वाले लोग नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। आप जा रहे हैं आदरणीय ललित जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हाम सिद्दीकी जी, जो है तीन सभा है, दो मुकामा में गोपालगंज और संदेश भी बात वीडियो के माध्यम से भेज देंगे। सर 40-40 सर 40-40 लेकिन आप समझ गए ना, ये लोग नीतीश कुमार जी के बिना वहाँ नहीं पहुँच रहे, नीतीश जी उसके बाद भी इनकी हालत खराब, समझ रहे हैं? तो महागठबंधन जो है ये उसका नेतृत्व कर रहे हैं और चुनाव ही महागठबंधन लड़ रहा है, तो इसमें कहां दो राय है? सर 40-40 नेताओं को, 40 नेताओं को उतारने के बाद क्या जोत पड़ गई बीजेपी को कि चिराग पासवान को लाना पड़ा? पहले 40-40 नेताओं को उतारे, खराब है भाई, बोल तो रहे हैं पड़ोसी राज्य के लिए कौन कौन लोग आ रहे हैं, सब लोग आपके प्रत्याशी बता रहे हैं कि मामला छुपाने का है कि मुकदमा दर्ज करें। फालतू की बात करे जो करना है, कुछ होता है लोगों से, कुछ दम है जो लोग कह रहा है, खाली डराता है, धमकाता है और अफवाह फैलाता है, सब अफवाह पार्टी है।